नमस्कार, आप देख रहे हैं मयंक टेक यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कैश के बारे में। इस कैश की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे बात कर रहा हूं कंप्यूटर में और मोबाइल में यूज होने वाले कैश मेमोरी के बारे में। तो आखिर ये कैश मेमोरी क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और आखिर इसे कैसे यूज किया जाता है, इन सबके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे कैश को एक लाइन में डिफाइन करना हो कि कैश क्या है, तो मैं इसे इस तरह डिफाइन कर सकता हूं कि एक हिडन सिक्योर स्टोरेज स्पेस को कैश कहते हैं, या फिर लगातार बहुत ही शॉर्ट एक्सेस टाइम में स्टोरेज डिवाइस के लिए यूज होने वाली मेमोरी को कैश कहते हैं, या फिर रिसेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस और डेटा आर कॉल्ड कैश। अब हम बात करते हैं कैश मेमोरी। उससे पहले मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि आखिर कैश क्या है। तो कैश एक ऐसा प्लेस होता है जहां रिसेंटली यूज किए गए वर्क की जो इंस्ट्रक्शंस और डेटा होते हैं उसे टेम्परेरी स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर में आपको तीन टाइप्स की मेमोरी मिलती है, पहली होती हार्ड ड्राइव, दूसरी होती है रैम और तीसरी होती है कैश मेमोरी। तो हम बात करेंगे कैश मेमोरी के बारे में। तो कैश मेमोरी भी रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह ही होती है। इसे प्रोसेसर हमारा रैम से ज्यादा क्विकली एक्सेस कर सकता है, मतलब कि ये काफी तेज होती है और ये प्रोसेसर में इनबिल्ट होती है या फिर किसी सेपरेट चिप के थ्रू इंटरकनेक्टेड होती है प्रोसेसर से, जिससे प्रोसेसर कैश को डायरेक्टली एक्सेस कर सके। अगर मैं बात करूं कैश मेमोरी की, तो इसका बेसिक जो पर्पस होता है वो होता है रिसेंटली अगर हम किसी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, तो अगर हम दोबारा वो टास्क रिपीट करते हैं तो जो हमारे सब कैश में जो हमारा डेटा रखा हुआ है, तो उसमें से हमारा प्रोसेसर पहले इंस्ट्रक्शन रीड करके हमें जल्दी रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारा जो टाइम कंजप्शन है वो कम होगा। कभी भी अगर हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो कंप्यूटर का जो हमारा प्रोसेसर है वो सबसे पहले कैश मेमोरी में ये चेक करता है कि उस टास्क से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शंस या डेटा उस कैश मेमोरी में है या नहीं। अगर उसे मिल जाते हैं तो वो हमें रिजल्ट जो है काफी जल्दी प्रोवाइड कर देता है। अगर नहीं मिलते हैं तो वो जाके उन लार्ज स्टोरेज स्पेसेस में जाके सर्च करता है, जिससे टाइम कंजप्शन ज्यादा होता है। तो दोस्तों, अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि कैश और कैश मेमोरी क्या होती है। अब हम बात करते हैं आपसे कैश मेमोरी लेवल के बारे में। तो इतना तो आप पता चल ही गया है कि कैश मेमोरी बहुत फास्ट होती है। ये तीन टाइप की होती है जिसे प्रोसेसर की एक्सेसिबिलिटी और उसकी क्लोजनेस के बेस पर तीन लेवल में कैटेगराइज किया जाता है, L1, L2 और L3, मतलब Level 1 कैश, Level 2 कैश और Level 3 कैश। अब मैं आपसे बात करता हूँ L1 कैश के बारे में। तो L1 कैश बहुत छोटी होती है और बहुत फास्ट होती है। ये प्रोसेसर में इनबिल्ट होती है और मल्टी कोर प्रोसेसर में हर कोर के लिए सेपरेट L1 कैश मेमोरी होती है। अब हम बात करते हैं L2 कैश के बारे में। तो L2 कैश L1 से बड़ी होती है और ये प्रोसेसर के अंदर भी हो सकती है या फिर किसी सेपरेट चिप में भी हो सकती है, जो प्रोसेसर से हाई स्पीड बस के द्वारा इंटरकनेक्टिंग होती है, जिससे प्रोसेसर उस L2 कैश को डायरेक्टली हाई स्पीड में एक्सेस कर सके। अब हम बात करते हैं L3 कैश की। तो L3 कैश का जो काम होता है वो होता है L1 और L2 की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। ये इन दोनों कैश की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है और जो L3 कैश की स्पीड होती है वो रैम से डबल होती है। मल्टी कोर प्रोसेसर में हमें L1 L2 कैश मिल जाती है और जो L3 कैश होती है वो शेयर्ड होती है, मतलब कि हमारे जो प्रोसेसर है, मान लीजिए ड्यूल कोर प्रोसेसर है, तो हर प्रोसेसर के लिए हमें L1 और L2 कैश तो मिल गया, लेकिन जो L3 कैश होती है वो इन दोनों कोर्स के लिए कॉमन होती है। अब ये तो हो गई कैश मेमोरी की बात। अब हम बात करते हैं कैश एल्गोरिदम की। तो कैश एल्गोरिदम का काम ये होता है कि कैश मेमोरी को कैसे मेंटेन किया जाए, इसकी इंफॉर्मेशन कैश एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है। अब इसे हम कुछ एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे कि LFU, LRU और MRU। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे LFU के बारे में।
तो LFU लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक ही टास्क को कितनी बार परफॉर्म किया गया है उसको काउंट करके ट्रैक करती है और जो सबसे ज्यादा और जो सबसे कम काउंट होता है उसे ये कैश में से रिमूव कर देती है। मतलब जो काम आपने ज्यादा किया उसको वो कैश में सेव रखेगा और जो सबसे कम हुआ है उसको, मतलब कंप्यूटर को ये लगता है कि आपने ज्यादा इसको यूज नहीं किया, इस पे आपको जरूरत नहीं है, तो उसे वो कैश में से रिमूव कर देगा। ठीक है, अब दूसरा हम बात करते हैं तो दूसरा है LRU। इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ये रिसेंटली यूज्ड आइटम्स की लिस्ट बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कितना बड़ा बॉटल है, ठीक है, या फिर आप कुछ भी लीजिए, एक डब्बा ले लीजिए, उसमें हम 10 आइटम डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनी, अब 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह आपने 10 तक गया। ठीक है, 10 तक वो आपका डब्बा भर गया। अब इसमें से जो भी आप, जैसे अब 10 तक की तो इसकी लिमिट हो गई, इसके बाद मान लीजिए 11वां एलिमेंट इसमें डालना है या फिर 11 नंबर रखना है, तो उसमें से अब रिसेंटली यूज में आपने सबसे ज्यादा यूज क्या किया है वो उसको देखेगा। मान लीजिए 1 आपने सबसे कम यूज किया है तो 1 को वो डिलीट कर देगा कैश मेमोरी में से और 11 को वापस रोक देगा। ठीक है, अब आखिरी होता है MRU। तो इसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। अब ये क्या करता है कि आपकी जो रिसेंटली यूज्ड की लिस्ट होती है उसमें से जो आपने सबसे ज्यादा यूज किए होंगे उस आइटम को सबसे ऊपर वो रखता है उस लिस्ट में, ताकि उससे कंप्यूटर को ये लगता है कि आप सबसे ज्यादा इस आइटम को यूज कर रहे हैं, ये आपका डेटा आप सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसे वो सबसे टॉप पे रखता है, जिससे आप ज्यादा आसानी से उसे एक्सेस कर पाए और कंप्यूटर को भी ज्यादा टाइम ना लगे उसको, मतलब आपको रिजल्ट प्रोवाइड करने में। अब अगर हम कैश मेमोरी की बात करें तो ये बहुत कम होती है, 2 MB, 4 MB, 8 MB, 12 MB। वैसे सुनने में आपको कम लगेगा लेकिन इतनी मेमोरी हमारे कैश मेमोरी के लिए काफी होती है, क्योंकि न इसमें आपको कोई सॉन्ग रखना है, न इसमें आपको इमेज रख सकते हैं, न किसी प्रकार का और कोई फाइल। ये सिर्फ आप जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, उसके डेटा को स्टोर करता है, ताकि आपका जो काम है वो जल्दी हो सके, आपको ज्यादा टाइम कंजप्शन ना करना पड़े, तो इसके लिए इतनी मेमोरी आपकी काफी होती है। अब अगली बात करें हम, ये तो हो गई आखिर पीसी की बात, कि आखिर पीसी में हमारे पर्सनल कंप्यूटर में कैश मेमोरी का क्या रोल होता है। अगली हम बात करते हैं कि हमारे मोबाइल में भी कैश मेमोरी होती है, वो कैसे काम करती है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि मोबाइल और पीसी में दोनों में बहुत फर्क है। पीसी में तो हम टेम्परेरी स्टोर करते थे और मोबाइल में जो होता है ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। जैसे मान लीजिए अब मोबाइल में कैश मेमोरी इस तरह काम करती है कि आपका जो भी कोई ऐप होता है, ठीक है, उस ऐप की जो आप जो भी उस ऐप को यूज करते हैं तो उससे रिलेटेड वो उसका डेटा को सेव करते जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप ब्राउजिंग करते हैं, ठीक है, आपने इंटरनेट ब्राउजर ओपन किया, उसमें आपने फेसबुक का पेज खोला है, गूगल का पेज खोला, एक बार अगर आपका पेज उसमें आपने ओपन कर दिया है, आप दोबारा उसे ओपन करेंगे तो वो आपका टाइम कम लगेगा प्लस डेटा भी आपका सेव होगा और वो पेज तुरंत खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तुरंत उसे ब्राउज किया और वो उसकी कैश मेमोरी में जाके उसके जो ऐप होता है उसके फाइल में सेव हो जाता है कि आपने ये यूज किया है, तो वो जाके आपके फोन मेमोरी में एक फाइल के तौर पर बन के सेव हो जाता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब कई बार आप ब्राउजिंग करते रहते हैं, ठीक है, तो आपका जो कनेक्शन होता है वो अच्छा होने के बाद भी कई बार वेबसाइट स्लो हो जाती है। रीजन ये होता है क्योंकि पीसी तो हमारा कैश मेमोरी को आउट कर देता है खुद ही से, लेकिन मोबाइल में वो चीजें स्टोर होती रहती हैं, तो इसे हमें टाइमली रिमूव भी करना पड़ता है। तो कई बार आप देखते होंगे, जैसे अब आपने फेसबुक खोल लिया, गूगल खोल लिया, सब हमारा कैश मेमोरी में सेव होता जा रहा है, ठीक है, आखिर में ऐसा होता है कि आपका नेट बहुत स्लो चलता है और फाइनली एक मैसेज सामने आपके आ जाता है ब्राउजर के कि योर कनेक्शन इज टेकिंग टू लॉन्गर देन यूजुअल, प्लीज क्लियर द कैश एंड कुकीज, ठीक है, इस टाइप का आपको मैसेज आ जाता है। तो उससे क्या होता है, कंप्यूटर में जो आपका जो फोन है, स्मार्टफोन है, उसमें जो कैश की मेमोरी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपका फोन भी स्लो हो जाता है। तो अगर आप जैसे ही उसको फिर क्लियर करते हैं, आप सेटिंग्स में जाते हैं, उसके ऐप के इन्फॉर्मेशन में जाके कैश डेटा जो होता है उसे जैसे ही आप रिमूव करते हैं, आप देखते हैं कि आपका फोन काफी अच्छे से चलने लगता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कैश मेमोरी के बारे में और कैश से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा,
कमेंट के माध्यम से मुझे नीचे जरूर बताइएगा अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो भी नए मेहमान मुझे इस में देख रहे हैं पहली बार, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।